शहीदों के स्मारक को जूते से रौंदने और हिंसा की खुली छूट दी थी, याद है ना आपको? आजाद मैदान की घटना याद है ना? इतना ही नहीं, तब की कांग्रेस एनसीपी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया था कि आजाद मैदान में हिंसा करने वालों पर कार्रवाई न हो। आखिर क्यों? इसका जवाब एक ही है, कांग्रेस एनसीपी की वोट बैंक पॉलिटिक्स। साथियों, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए एनसीपी हो या कांग्रेस, किसी भी हद तक जा सकती है। इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। आप मुझे बताइए, जब आपने हिंदू आतंकवाद शब्द सुना, आपको गहरी चोट पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? हजारों साल का इतिहास, हिंदू कभी आतंकवाद करे ऐसी एक भी घटना है क्या? एक भी घटना है क्या? अरे अंग्रेज जैसे इतिहासकारों ने भी कभी हिंदू हिंसक हो सकता है इस बात का जिक्र तक नहीं किया है। हमारी 5000 से ज्यादा साल पुरानी हमारी संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किसने किया? हिंदू आतंकवाद शब्द कौन लाया? हिंदुओं को आतंकवादी कहने का पाप किसने किया? भाइयों बहनों, ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? ऐसे कांग्रेस के गठबंधन को माफ कर सकते हैं क्या? आप याद कीजिए, इसी महाराष्ट्र की धरती से सुशील कुमार शिंदे जब भारत सरकार में थे, तब उन्होंने भाषण करके कहा था और उन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द की चर्चा की थी। साथियों, ये विषय आज मैं इसलिए लाया हूं